हेलो दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक ऐसे पार्क को जहाँ पर आपको कई सारे मिलेंगे कपल्स। जी हाँ, कपल्स। ऐसा पार्क मतलब आप देखा जाए तो फैमिली के साथ प्लीज़ मत आना यार इस पार्क में। मुझे भी नहीं पता था यहाँ के बारे में, बट आ चुका हूँ तो यहाँ का वीडियो ज़रूर शूट करूँगा। काफ़ी अच्छा पार्क है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस ब्लॉग को और देखिए आगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आज की मेरी एक फिर से नए ब्लॉग में। और जैसा कि अभी आपको पता ही होगा कि हम नवाबों के शहर लखनऊ में हैं और हम आज आपको एक्सप्लोर कराने वाले हैं गोमती नगर में स्थित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पार्क। जी हाँ गाइस, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पार्क जो कि काफ़ी ही फेमस पार्क है, जो कि समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं जिनके याद में इसे बनाया गया है और जो कि 76 एकड़ में फैला हुआ है। तो अभी चलते हैं दोस्तों, और आज की वीडियो में मैं आपको वहां का सारा सीन दिखाऊंगा, इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक भी ज़रूर करना। तो चलते हैं, अभी हम यहां पे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पार्क के मेन हाईवे पे सामने खड़े हुए हैं और अभी चलते हैं गेट पे और वहाँ से मेन गेट से एंट्री करते हैं, टिकट विकट लेते हैं और आपको सारी जानकारी हम देंगे। बहकी सभी जुबान। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताता चलूं कि यार इस पार्क में ना कपल्स बहुत हैं। मतलब कि कपल्स का मतलब आपको पता ही होगा, अगर आप गांव से बिलोंग करते हो तो मैं बताता चलूं, मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के जोड़े यहां पे आपको बहुत ही देखने को मिलेंगे। तो अभी चलते हैं वहां पे, देखते हैं कितने रुपये की टिकट है, कैसे क्या सिस्टम है और सारा कुछ मैं दिखाऊंगा इस वीडियो में, बने रहो भाई। यहाँ का व्यू तो आप देख ही सकते हो, इतना प्यारा है, मतलब चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, बड़ा ही प्यारा सीन है यहाँ का। तो चलते हैं, फिर आगे का सीन दिखाते हैं वहाँ पे कितने कपल्स हैं, कैसे हैं, शायद एक आधी जोड़ीदार मुझे भी मिल जाए, क्योंकि भाई अभी तो मैं सिंगल ही हूँ। चलते हैं फिर देखते हैं। दोस्तों, फाइनली जो है कि यार अभी हम पार्क के मेन गेट के पास आ चुके हैं पास, और यहाँ देख सकते हो आप दोस्तों, यहाँ पे गेट है मेन और यहीं पे टिकट घर है। तो चलते हैं, टिकट विकट लेते हैं और वहाँ पर वीडियो बनाना अलाउ है कि नहीं ये भी पता नहीं, चलते हैं फिर टिकट लेते हैं और अंदर का सीन आप। तो दोस्तों, फाइनली जो है कि अभी हमने टिकट काउंटर से टिकट ले ली है और जो टिकट है प्राइस उसका 10 रुपये है और अभी आप लोग देख सकते हो टिकट आधी फाड़ दी गई है क्योंकि चेक हुई है, मतलब कि टिकट आपके पास है कि नहीं। तो अभी यार मैं आपको इस वीडियो में सारा कुछ, यहाँ का नज़ारा भी दिखाऊंगा और यहाँ पर कपल्स जो है मैंने आपको बताया था वो भी सीन दिखाऊंगा, मगर चोरी से, क्योंकि क्या पता किसी कपल को अच्छा ना लगे उसके वीडियो को शूट करना, इसलिए चोरी से चुपके से करेंगे। तो आपको यहाँ का सीन दिखाना चाहता हूँ, आप लोग देख सकते हो दोस्तों, यहाँ का बहुत ही प्यारा व्यू है और मैं बैक कैमरे से आपको दिखा। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हो ये अंदर का पार्क के अंदर का सीन है, बहुत ही प्यारा व्यू है। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर बना है एक क्लॉक टावर, घंटा घर। जी हाँ, मैं थोड़ा सा जूम करूँ तो आप लोग देख सकते हो, अभी लगभग 3:10 शो कर रहा है और अभी टाइम भी इतना हो रहा है, आप लोग देख सकते हो यहाँ का व्यू। और मैं इस ब्लॉग में दोस्तों आपसे बताता चलूँ कि मैं इस ब्लॉग में काफ़ी ही अच्छा सीन दिखाने वाला हूँ आप लोगों को, इसलिए ब्लॉग को लास्ट तक ज़रूर देखना मेरे भाई। दोस्तों, अगर आप लोगों को मैं इस पार्क की थोड़ी बहुत और जानकारी देता चलूँ तो यह जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पार्क है गाइस, इसका निर्माण 2007 में हुआ था और समाजवादी पार्टी के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नाम से ही इस पार्क का नाम भी रखा गया है। और जैसा कि आपको यहाँ पर बहुत सारे कपल्स भी देखने को मिलेंगे, मैं आपको दिखाऊँगा बैक कैमरे से। और मैं आपको यार बताता चलूँ कि अगर आपकी भी कोई गर्लफ्रेंड है तो ज़रूर से ज़रूर यहाँ पर आएँ, अगर आप लखनऊ से बिलोंग करते हैं तो लखनऊ में ज़रूर से ज़रूर इस पार्क में आएँ, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी छूट है और काफ़ी अच्छा इन्जॉयमेंट कर सकते हो आप लोग यहाँ पर। तो मैं आपको यहाँ का पूरा व्यू दिखाऊँगा, तो चलते हैं अभी आपको सारा कुछ सीन दिखाते हैं और शायद बाद हमारे लिए भी कोई हो यहाँ पर सुकुमारी कन्या, कोई कपल शायद मिल जाए। चलते हैं, अभी तो हम सिंगल ही हैं, देखते हैं वहाँ का सारा सीन। दोस्तों यार मजाक कर रहा हूँ, सीरियसली मत लेना, वैसे तो मैं सिंगल ही हूँ। चलते हैं फिर वहाँ का सारा सीन आपको दिखा। दोस्तों, आप लोग देख सकते हो बड़ा ही प्यारा व्यू है, यहाँ पर झूले की व्यवस्था बड़ी ही प्यारी है, आप लोग देख सकते हो और भी यहाँ पर आपको बहुत ही प्यारे प्यारे व्यू। दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जावा फिग ट्री। गाइस, जावा फिग ट्री यार, और मुझे पता नहीं जावा फिग ट्री कौन सा है, कुछ पता भी नहीं है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो आपको पेड़ दिखाई दे रहे हैं ये कुछ जावा फिग ट्री के हैं और जो मैं आपको बोल रहा था कपल से दोस्तों, वे देखिए।
और वहाँ पर कैसे मस्त रोमांस कर रहे हैं। अभी वहाँ पर मैं डायरेक्टली बैक कैमरे से सीन नहीं कर सकता हूँ शूट, क्योंकि क्या पता कोई कपल से यार नाराज़ हो जाए तो मेरे को लेने के देने पड़ सकते हैं। तो थोड़ा चोरी चोरी छुपके छुपके यहाँ का वीडियो बनाते हैं और सारा सीन भी आपको यहाँ पे दिखाएंगे। तो आप लोग देख सकते हो यार जावा क्या पेड़ है जो भी, और यहाँ का सारा व्यू बहुत ही प्यारा है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ और बैक कैमरे से दिखाता हूँ यहाँ का सारा सीन, क्योंकि झूले वूले भी हैं और पार्क है तो जाहिर सी बात झूले होंगे ही। तो चलते हैं फिर आगे का सीन आपको दिखाते हैं। वीडियो में मज़ा आ रहा हो तो ज़रूर लाइक ठोंक देना भाई, ठीक है। गर्मी, इतनी गर्मी कि पूछो मत, साला दिमाग आउट हो गया मेरा सुबह से लेकर शाम तक घूमते घूमते। और अभी 3 बज चुके हैं आप लोग दोस्तों देख सकते हो, यहाँ पे झूला पार्क है, यहाँ पे पार्क के अंदर यहाँ पे झूले की व्यवस्था है, बच्चे लोग यहाँ पे झूलते हैं। और अभी दोपहर मतलब है थोड़ा प्रकार से धूप ज़्यादा ही, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा बच्चे लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बच्चे नहीं भी रहेंगे क्योंकि यहाँ पे कपल्स के ज़्यादा ही जोड़े रहते हैं। तो आप लोग देख सकते हो दोस्तों काफ़ी ही वैसे लंबा पार्क है, 76 एकड़ में फैला हुआ यह पार्क है और यहाँ पे कई प्रकार के आपको पेड़ दिखाई देंगे। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ का सारा सीन, तो वीडियो में बने रहो मेरे भाई। हाँ यार बने रहो, अरे वीडियो को लाइक भी कर दो और हाँ चैनल को सब्सक्राइब और घंटे को बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट ब्लॉग आपको मिल सके। और मैं हिस्टोरिकल प्लेस भी दिखाता हूँ और ऐसे ना कपल्स वाले भी प्लेस दिखाता हूँ, और मैं बताता भी हूँ अगर आपकी भी कोई गर्लफ्रेंड हो ना तो बता रहा हूँ चुप्पे से आना ज़रूर, मैं आपको बता दूँगा कॉन्टेक्ट करना मेरे से कौन कौन से पार्क हैं, ठीक है चलते हैं। आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं शायद इसके अंदर मछलियाँ पली हुई हैं, और जो कि काफ़ी ही प्यारा व्यू है। मैं और आपको यहाँ का सीन दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जो दोस्तों पार्क है यहाँ पे मतलब वाटरफॉल एक प्रकार से देखा जाए तो पानी के लिए काफ़ी यहाँ पे सीधा झील की तरह बना हुआ है पीछे, मगर शायद सूख चुका है पानी नहीं इसके अंदर। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ बैक कैमरे से थोड़ा सा, दोस्तों आप लोग देख सकते हो यहाँ पर पानी भरा रहता है शायद, मगर भी पानी है नहीं सूख चुका है नहीं तो यहाँ का काफ़ी प्यारा नज़ारा और भी होता होगा। और भी यहाँ का सीन आप लोग दोस्तों देख सकते हो और मैं आपको यहाँ का सारा व्यू दिखाऊंगा, वीडियो में बने रहो मेरे भाई। दोस्तों देखिए ये कौन सा पेड़ है मुझे पता नहीं, वैसे काफ़ी ही प्यारा है और इतना अच्छा लग रहा है कि आप लोग देख सकते हो इसमें क्या ये लटक रहे हैं कुछ पता नहीं। और आपको अगर पता है अपना प्यारा साथी मनजीत डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पार्क में टहलते टहलते चारों तरफ कपल्स को देखते देखते मज़ा लेते लेते अभी हम पहुंच चुके हैं स्मारक स्थल, जो कि यहाँ पे जो डॉक्टर राम मनोहर जी हैं उनकी यहाँ पे बहुत ही प्यारी प्रतिमा बनी हुई है दोस्तों आप लोग देख सकते हो। और यहाँ का सीन बड़ा ही प्यारा है और मैं आपको यहाँ का सारा नज़ारा कराऊंगा और मैं बैक कैमरे से दिखाता हूँ यहाँ का जो प्यारा व्यू है और डॉक्टर राम मनोहर जी की प्यारी। गाइस देखिए यहाँ का बहुत ही प्यारा सीन है और आप लोग दोस्तों देख सकते हो बहुत ही अच्छा भी यहाँ पे लग रहा है। और ये रहे हमारे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी जिनके याद में और जिनके नाम से ये इस पार्क को बनाया गया है। और मैं थोड़ा नज़दीक जाता हूँ और अगर थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाऊँ तो कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी लिखी है कि समाजवादी ज्योति के वाहक महान मानवतावादी प्रमुख प्रखर चिंतक एवं युग दृष्टा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के जन्म दिवस पर इसको बनवाया गया है, दिनांक 23 मार्च 2005 कुछ इस प्रकार से संपन्न हुआ है इसको। और सारी जानकारी आप लोग देख सकते हो इस वीडियो। अभी हम खड़े हैं औषधीय वाटिका, यहाँ पे मतलब एक प्रकार से पार्क में औषधि भी है कुछ, मतलब जो वैद्य होंगे उन्हें ही पता होगा कौन सी औषधि है, क्योंकि वनस्पतियाँ मतलब औषधीय यहाँ पे हैं, काफ़ी प्रकार की दवाइयाँ हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ बैक कैमरे से। आप लोग दोस्त देख सकते हो ये है कल्पवृक्ष जो कि श्री मुलायम सिंह यादव के द्वारा 23 मार्च 2005 में
लगाया गया था, जो भी जैसा कुछ आप लोग देख सकते हो दोस्तों। और यहाँ पे आपको एक पेड़ दिखाई देगा रुद्राक्ष के नाम से, ये रुद्राक्ष का पेड़ है, मतलब काफ़ी ही पेड़ आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, ये था आज का हमारा छोटा सा ब्लॉग जिसमें हमने आपको डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पार्क का सारा नज़ारा दिखाया है, और मैंने आपको वहाँ पर कपास भी दिखाए थे, है ना। तो देखा है ज़रूर अगर आपने तो कमेंट भी करें, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक भी करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि मैं ऐसी ही मज़ेदार वीडियो और हिस्टोरिकल प्लेस दिखाता रहता हूं। और हाँ, अगर आपकी भी है कोई गर्लफ्रेंड तो ज़रूर मुझसे संपर्क करें, और मैं आपको बताऊँगा कि आप कौन से पार्क में जाएँ जहाँ पर आपको मज़ा भी आएगा, अच्छा भी लगेगा। तो गाइज़ यार, फाइनली वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करना, और हाँ अगर अच्छा लगा तो शेयर भी करें, और भाई की मेहनत अगर आपको देखकर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब तो ठोंक दो, गारंटी के साथ सब्सक्राइब ठोंक दो और बेल आइकन भी प्रेस कर लो। फिर मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।